सिंगरौली में कांग्रेस पार्टी ने कृषि कानून को लेकर विरोध प्रदर्शन किया और कृषि कानून को वापस लेने की मांग की। इस दौरान पूर्व नेता प्रतिपक्ष अजय सिंह ने केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि केंद्र का कृषि कानून किसानों के हित में नहीं है, मोदी सरकार केवल उद्योगपतियों को फायदा पहुंचा रही है। सिंगरौली में कांग्रेस द्वारा आयोजित कार्यक्रम में केंद्र सरकार द्वारा बनाए गए 3 किसान बिल का विरोध किया गया और दिल्ली में विरोध कर रहे किसानों का समर्थन किया गया। इस दौरान मध्य प्रदेश विधानसभा के पूर्व नेता प्रतिपक्ष अजय सिंह, शहर कांग्रेस अध्यक्ष अरविंद सिंह चंदेल, सेवा दल कांग्रेस के जिला अध्यक्ष रूपेश चंद्र पांडे, किसान संगठन प्रभारी अनिल सिंह चंदेल सहित कई कांग्रेसी कार्यकर्ता मौजूद रहे। पूर्व नेता प्रतिपक्ष अजय सिंह ने कहा कि 2 उद्योगपतियों को छोड़कर देश के सभी उद्योगपति भाजपा की नीतियों की वजह से बर्बाद हो गए, चाहे नोटबंदी हो, BSNL, MTNL का निजीकरण हो, सभी जनता विरोधी व किसान विरोधी बिल रहे। यह किसान बिल किसानों के विरोध में है। इस बिल से किसान आबाद नहीं बर्बाद हो जाएंगे। किसान कानून बिल के खिलाफ किसान भाइयों के समर्थन में हम लोग हैं और जो हर प्रांत में अलग अलग जगह पर विरोध हो रहा है उसी तरह हमने भी अपना इस जिले में विरोध किया। मेरे ख्याल से कोई गुट उठा नहीं, हम लोग की अलग अलग सोच हो सकती है तो गुट नहीं। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के पीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।